अब हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कंडीशंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब किसी भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के पहले जो कंसर्निंग थ्योरी है उसको ब्रशअप करके ही हमको उस न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करना चाहिए। फिजिक्स का न्यूमेरिकल हमेशा आपके फिजिक्स के कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए पूछा जाता है, आपकी मैथ्स चेक नहीं करनी है। उसमें फिजिक्स कौन सी लग रही है इस बात का बड़ा हमको ध्यान रखना चाहिए, विजिलेंटली हमको उसको करना चाहिए न्यूमेरिकल को। बीच बीच में मैं आपको और भी टिप्स देता जाऊंगा, आप इस बात का ध्यान रखें कि वो फॉर्मूला आपको पता हो रिलेटेड, और क्या वो फॉर्मूला उसमें अप्लीकेबल है ये चेक करते हुए ही हमको आगे बढ़ना चाहिए। तो जैसे यहाँ एक न्यूमेरिकल, ये मैं आपको बता रहा हूँ, लाइट वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेस सुपरपोज एट अ पॉइंट। अब लाइट वेव्स हैं और दो कोहेरेंट सोर्सेस हैं। जैसे आप कोहेरेंट सोर्सेस सुनो तो आपको ध्यान आ जाएगा कि ऐसे दो सोर्स जिनका फेज डिफरेंस जीरो या कांस्टेंट हो, ऐसे सोर्सेस कोहेरेंट होते हैं, ये याद आना चाहिए। एट अ पॉइंट द वेव्स एट दिस पॉइंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज वाई वन इक्वल्स टू ए साइन टेन एस टू पावर 15 पाई टी, वाई टू इज इक्वल्स टू 2 ए साइन टेन एस टू पावर 15 पाई टी प्लस 5। फाइंड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, हमसे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पूछा है तो हमको क्लिक होना चाहिए। हमने पढ़ा हुआ है सस्टेन इंटरफेरेंस में, जब दोनों सोर्सेस कोहेरेंट होते हैं और जहां दोनों वेव्स सुपरपोज होती हैं वहां रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाई होता है, जिसमें फाई क्या है, तो फाई है इन दोनों वेव्स के बीच फेज डिफरेंस। अब इन दो इक्वेशंस को देखकर आप पहचान गए होंगे कि ये एम्पलीट्यूड्स हैं, ए एम्पलीट्यूड है पहली वेव का और 2a एम्पलीट्यूड है इस दूसरी वेव का, ये दोनों वहाँ सुपरपोज हो रही हैं। पर कुछ बच्चों को लगता है कि ये तो वेव इक्वेशन है ही नहीं, ये तो SHM की इक्वेशन है क्योंकि ये इस फॉर्म में है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये तो केवल t का फंक्शन दिख रहा है, वाई इसका मतलब ये तो SHM है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये वेव इस तरह की है, प्रोग्रेसिव वेव, मतलब इसमें माइनस के एक्स भी आया होगा, इसमें भी और इसमें भी, पर जिस पॉइंट पर हमने इन वेव्स को सुपरपोज किया है उस पॉइंट को ही हमने जीरो रिगार्ड कर लिया है ना, एक्स इक्वल टू जीरो डालने पर ऐसी इक्वेशन में, ये इक्वेशन ऐसी थी वाई वन इज इक्वल टू ए साइन टेन एस टू पावर 15 पाई टी माइनस के एक्स, पर x को जीरो डालने पर ये ऐसी दिखने लगी, यानी ये दोनों प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशंस हैं। अब इसका एनालिसिस करें तो ये दोनों क्या हैं, एम्पलीट्यूड्स हैं, यहाँ आने वाली क्वांटिटी t के साथ ये ओमेगा होता है, तो आप देख रहे हैं दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों वेव सेम फ्रीक्वेंसी की हैं, तो ये भी आपको याद आया होगा कि हमने पढ़ा था सस्टेन इंटरफेरेंस के लिए दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसीज को सेम होना चाहिए और दोनों लगभग सेम डायरेक्शन में जाना चाहिए और इनिशियल फेज डिफरेंस को जीरो या फिर कांस्टेंट होना चाहिए फेज डिफरेंस, और दोनों के बीच फेज डिफरेंस ये आया है जब वो पॉइंट पी पर रीच की ड्यू टू पाथ डिफरेंस, और ये फाई ही हमको तीन केसेस में ये दिया हुआ है, जीरो पाई बाय थ्री और पाई, हमको करस्पॉन्डिंग एम्पलीट्यूड फाइंड करना है, साथ में हमको बताना है फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिजल्टेंट वेव, तो यही फॉर्मूला हमको यूज करना है सिंपली। और आपको याद हो तो मैंने कहा था कि ये बिल्कुल पैरेललोग्राम लॉ है, ये उससे मैच करने वाला है, मतलब हम इन एम्पलीट्यूड्स को जो ए और टू ए, ये जो एम्पलीट्यूड्स हमको गिवन है ए वन ए टू, इनको हम वेक्टर मानकर और उनके बीच एंगल फेज डिफरेंस के बराबर मानकर पैरेललोग्राम लॉ से भी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फाइंड कर सकते हैं, मतलब पैरेललोग्राम लॉ ऐसे सवालों को हम वेक्टर मेथड से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये बनाया मैंने पहला वेक्टर ए, मतलब इस एम्पलीट्यूड को मैंने वेक्टर सपोज कर लिया ए के बराबर, और ये दूसरा एम्पलीट्यूड कितना है 2a, और इनके बीच एंगल कितना है फाई, तो ये इसका जो डायगोनल होगा वो ही रिजल्टेंट हो जाएगा कैपिटल ए, तो ये इसमें ये मैच हो रहा है, कैपिटल ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए वन स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू टू ए इंटू कॉस फाई, और फाई की वैल्यूज हम
पुट करते चलेंगे. तो पहले हम निकाल लेते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए वन की जगह ए डालकर और ए टू की जगह टू ए डालकर, मतलब ये फोर ए स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ए इंटू टू ए इंटू कॉस फाइव. इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया फाइव ए स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा फोर ए स्क्वायर कॉस फाइव. और अब ये तीन केसेस हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं, हमको क्योंकि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बताना है, फाइव की वैल्यूज डालते जाएंगे. जैसे केस वन ले हम, जब फाइव जीरो है और फाइव जीरो होने पर ये कॉस फाइव वन हो जाएगा, यानी ये नाइन ए स्क्वायर हो गया, यानी स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड इज नाइन ए स्क्वायर एंड सो एम्पलीट्यूड कम्स आउट टू बी थ्री ए, मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड थ्री ए हो जाएगा जिस पॉइंट पर ये जीरो के फेज डिफरेंस से रीच करेंगे. अब पाई बाय थ्री करस्पॉन्डिंग क्या होगा, तो कॉस पाई बाय थ्री मतलब कॉस 60, और कॉस 60 मतलब हाफ वन बाई टू, ये टू से टू कैंसिल होकर टू ए स्क्वायर, मतलब ये सेवन ए स्क्वायर हो जाएगा, सेवन ए स्क्वायर, यानी एम्पलीट्यूड इन द सेकेंड केस कम्स आउट टू बी ए रूट सेवन. नेक्स्ट पाई, पाई मतलब कॉस 180 माइनस वन, फाइव ए स्क्वायर माइनस फोर ए स्क्वायर इज ए स्क्वायर, और इसलिए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ए के बराबर हो जाएगा, और यही तीनों इसके आंसर्स हैं. फिर से हम ध्यान दें कि दो वेव्स थी कोहेरेंट और किसी पॉइंट पर सुपरपोज होती थी विथ फेज डिफरेंस फाई, उनके एम्पलीट्यूड्स ये गिवन थे हमको, हमें चाहिए था रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड. कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला हमको मालूम है कि सब कंडीशंस जो हैं वो ओके हैं, जो जो हम जानते हैं सस्टेन्ड इंटरफेरेंस की, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, और इसमें फाई जो है वो फेज डिफरेंस है, इन तीन फेज डिफरेंस पर पहुंचने पर हमको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बतलाना था. उसके अलावा हमसे पूछा है ऑल्सो फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिजल्टेंट वेव, तो ये तो थेरेटिकल है. यदि आपको याद हो तो हमको हमने बोला था आपसे कि ये दो इंटरफेयरिंग वेव्स होती हैं वाई वन ए वन और ये दूसरी ए टू साइन ओमेगा टी माइनस के इंटू एक्स प्लस डेल एक्स, और इसमें के डेल्टा एक्स जो है वो फेज डिफरेंस होता था यदि याद हो आपको, और फिर जब इनका सुपरपोजिशन किया था तो रिजल्टेंट वेव आती थी, ये रिजल्टेंट वेव वो आती थी ऐसी साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस थीटा, तो इसमें ओमेगा इसमें भी ओमेगा इसमें भी ओमेगा, मतलब रिजल्टेंट वेव की फ्रीक्वेंसी वही होती है जो इंटरफेयरिंग वेव्स की होती है, यानी हमको सीधे आंसर ये बता देना है. ये क्या आया है, ये रिजल्टेंट वेव का, ये पार्ट वन हमने किया, और पार्ट टू में जब रिजल्टेंट हमको फ्रीक्वेंसी बतानी है, रिजल्टेंट वेव की फ्रीक्वेंसी बतानी है, तो हम बोलेंगे रिजल्टेंट वेव की फ्रीक्वेंसी है इन रेज़ टू पावर 15 पाई, पर ये किस में आएगा, रेडियन पर सेकेंड, हर्ट्ज में आंसर चाह रहे होंगे, इसको 2 पाई एफ लिख लेंगे, 2 पाई एफ इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 15 पाई, क्योंकि ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, यानी 2 पाई एफ, ये पाई से पाई कैंसिल आउट होकर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 1 बाई 2 इंटू 10 रेज टू पावर 15, और अब इस आंसर को हम हर्ट्ज में बोलेंगे. इस तरह ये दोनों आंसर्स हुए. नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स ऑफ टू इंटरफेयरिंग वेव्स इज 3:2. द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स इंटेंसिटीज बिटवीन कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. तो हमको क्या दो वेव्स दी हुई हैं जिनके एम्पलीट्यूड्स का रेशियो 3:2 है. तो हम सपोज कर लेते हैं वो एम्पलीट्यूड्स ए वन ए टू हैं, ए वन बाई ए टू इज 3:2, ये हमको गिवन है. हमको कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के प्लेसेस पर एम्पलीट्यूड्स और इंटेंसिटीज का रेशियो चाहिए. कंस्ट्रक्टिव का मतलब कॉस फाई का वन हो जाना, यानी एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी का मैक्सिमम हो जाना, उन पॉइंट्स को कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. और डिस्ट्रक्टिव मतलब एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी दोनों मिनिमम हो जाएगी, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम वो कंस्ट्रक्टिव, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी जहाँ मिनिमम वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. यानी इन अदर वर्ड्स हमसे ये पूछा हुआ है आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम, ये और ये पूछा हुआ है एम्पलीट्यूड्स मैक्सिमम और मिनिमम,
पार्ट वन में ये पूछा हुआ है, ए में, बी में ये पूछा हुआ है, ये हमारा एजेंडा है, ये हमको फाइंड करना है। तो हम ये सोचेंगे कि इंटेंसिटी रिजल्टेंट होती कितनी है। हमको पता है रिजल्टेंट इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला है, आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन आई टू कॉस फाई, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड स्क्वेयर इज ए वन स्क्वेयर प्लस ए टू स्क्वेयर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाई। ये फॉर्मूले हम यूज करेंगे, रटना कुछ भी नहीं है, फॉर्मूले हमको उसी समय तैयार कर लेना है फॉर्मूलाज को। जैसे अब ये पूछ रहे हैं हमसे आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम, जैसे ये निकालना है आपको, तो हम सोचेंगे कि इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी, तो वो होगी जब कॉस फाई प्लस वन हो, और इसको प्लस वन लिखने पर हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं रूट आई वन प्लस रूट आई टू होल स्क्वेयर। तो आई मैक्सिमम होगा रूट आई वन प्लस रूट आई टू होल स्क्वेयर, और मिनिमम इंटेंसिटी क्या होगी, तो जब ये माइनस वन हो, माइनस वन होना मतलब रूट आई वन माइनस रूट आई टू होल स्क्वेयर, ये हमें फाइंड करना है। अब इसको फाइंड करने के लिए हमको आई वन आई टू नहीं है दिए हुए, हमको क्या दिया हुआ है, ये गिवन है एम्पलीट्यूड्स का रेशो। तो कोई बात नहीं, पहले हम ये करते हैं कि इसमें से आई टू रूट आई टू को कॉमन ले लेते हैं दोनों से, न्यूमरेटर से भी डिनोमिनेटर से भी। न्यूमरेटर से रूट आई टू कॉमन आएगा तो यहाँ क्या होगा, यहाँ है ही नहीं रूट टू, और इसलिए यहाँ ऐसा दिखने लगेगा ये टर्म प्लस वन होल स्क्वेयर, और वो रूट आई टू स्क्वेयर बन के बाहर जाके आई टू होकर वो नीचे से आए हुए रूट आई वन आई टू के स्क्वेयर से कैंसिल हो जाएगा। तो आई टू तो कैंसिल हो गया, यहाँ डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में हो जाएगा रूट आई वन बाय रूट आई टू माइनस वन होल स्क्वेयर। और अब हम सोचेंगे कि एम्पलीट्यूड्स और इंटेंसिटी में क्या रिलेशनशिप है। हमको पता है आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेयर ऑफ ए, किसी भी वेव में इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड स्क्वेयर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इसलिए हम लिख सकते हैं I1 वन बाय आई टू इज इक्वल टू ए वन स्क्वेयर अपॉन ए टू स्क्वेयर। अब यहाँ हमें ज़रूरत किसकी है, ज़रूरत है रूट आई वन बाय रूट आई टू की, तो दोनों तरफ स्क्वेयरिंग यदि स्क्वेयर रूट यदि हम ले लें तो रूट आई वन अपॉन रूट आई टू विल बी ए वन बाई ए टू, मतलब इंस्टेड ऑफ रूट आई वन बाय आई टू वी कैन राइट ए वन बाई ए टू हियर, तो ए वन बाय ए टू यहां पर लिख देते हैं, यहां ये हो गया ए वन बाय ए टू प्लस वन होल स्क्वायर। सिमिलरली यहां हो जाएगा ए वन बाय ए टू माइनस वन होल स्क्वायर। इस तरह से हमको आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम का रेशियो मिल जाएगा। अब सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, ये हमें गिवन था ए वन बाय ए टू थ्री बाई टू था, तो यहां हो जाएगा थ्री बाई टू प्लस वन होल स्क्वायर, और नीचे थ्री बाई टू माइनस वन होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा फाइव बाई टू स्क्वेयर्ड, मतलब ट्वेंटी फाइव बाय फोर, और यहाँ कितना हो जाएगा ये हो जाएगा वन बाई टू स्क्वायर, और वन बाई टू स्क्वायर मतलब वन बाय फोर, और वो रेसिप्रोकेट होगा तो फोर बाय वन, यानी आंसर इज ट्वेंटी फाइव। यानी एम्पलीट्यूड्स मालूम होने पर हम आई मैक्स आई मिनिमम का रेशो फाइंड कर सकते हैं, यदि हमें एम्पलीट्यूड्स का रेशो पता हो, तो आंसर इज 25 इंटेंसिटी। तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के प्लेसेस पर रिजल्टेंट इंटेंसिटीज का रेशो 25 आ गया। अब इसकी बात करेंगे एम्पलीट्यूड्स की। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद, या पहले एम्पलीट्यूड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिनिमम की बात करें, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कितना होता है, तो वो होता है ए वन प्लस ए टू के बराबर। अभी हमने एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला लिखा था, क्या था एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाई, और कॉस फाई के प्लस वन होने पर ये होगा ए वन माई ए वन प्लस ए टू होल स्क्वायर, उसका रूट यानी ए वन प्लस ए टू, और इसके माइनस वन होने पर ए वन माइनस ए टू होल स्क्वायर, यानी ए वन माइनस ए टू अज्यूमिंग ए वन टू बी लार्जर। तो ए वन प्लस ए टू ये ए मैक्स, और ए वन माइनस ए टू ये मिनिमम एम्पलीट्यूड, ये कंस्ट्रक्टिव के प्लेस पर, ये डिस्ट्रक्टिव के प्लेस पर। अब हमको
पता है ए वन बाय ए टू और हमको चाहिए है ये, तो क्या करेंगे फिर वही काम करेंगे, इसमें से ए टू कॉमन लेकर कैंसिल करता हूं मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, ऊपर क्या हो जाएगा ए वन बाय ए टू प्लस वन, नीचे ए वन बाय ए टू माइनस वन, और बस हमारा आंसर आ जाएगा। आप यहां डालेंगे थ्री बाई टू प्लस वन, थ्री बाई टू प्लस वन, और यहां डालेंगे थ्री बाई टू माइनस वन, और थ्री बाई टू माइनस वन ये तो हाफ हो जाएगा और ऊपर आएगा फाइव बाय टू, ये टू से टू कैंसिल होकर आंसर इज फाइव, यानी एम्पलीट्यूड रेशियो इज फाइव और इंटेंसिटी रेशियो इज 25। तो इसको याद नहीं करना चाहिए फॉर्मूलों को, हम उसी समय तैयार कर लेंगे फॉर्मूले, बस ये रिलेशन ध्यान रखेंगे आई इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, और जैसे यहाँ पर ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला लिखा हुआ है ऐसे ही रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद रखेंगे और कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव की शर्तें याद रखेंगे कि कॉस फाई प्लस वन कंस्ट्रक्टिव और कॉस फाई माइनस वन वो डिस्ट्रक्टिव होगा, उसी समय फॉर्मूले तैयार करके और आंसर निकाल लेंगे। नेक्स्ट, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन द पाथ डिफरेंस इज लैम्बडा इज ए यूनिट्स। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सुनकर डरने की जरूरत नहीं है, ये अभी हम पढ़ेंगे। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मतलब वो एक्सपेरिमेंट जिसमें सस्टेन इंटरफेरेंस की सभी कंडीशंस सेटिस्फाई होती हैं, बस इतना अभी आप याद रखिए, यानी हम सस्टेन इंटरफेरेंस करवा रहे हैं किसके साथ, मोनोक्रोमेटिक लाइट के साथ, मतलब सिंगल वेवलेंथ वाली कोई लाइट हम यूज कर रहे हैं, सिंगल कलर की लाइट, और हमसे कहा है कि स्क्रीन के किसी पॉइंट पर जहां पाथ डिफरेंस लैम्बडा है, जहां पाथ डिफरेंस लैम्बडा है, पाथ डिफरेंस मतलब डेल्टा एक्स, जहां पाथ डिफरेंस लैम्बडा है वहां जो इंटेंसिटी है लाइट की उस पॉइंट पर वो हमें गिवन है के यूनिट्स के बराबर, ये हमको जानकारी पहले स्टेटमेंट में दी हुई है, यानी यंग्स के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में स्क्रीन का वो पॉइंट जहां वो दोनों वेव्स इस पाथ डिफरेंस से पहुंचती है लैम्बडा से, वहां प्रोड्यूस्ड इंटेंसिटी के यूनिट्स है। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्बडा बाई थ्री, यानी हमें बताना है कि जब ये पाथ डिफरेंस लैम्बडा बाई थ्री हो जाएगा या जिस पॉइंट पर ये लैम्बडा बाई थ्री के पाथ डिफरेंस से पहुंचेंगी दोनों वेव्स, वहां रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी होगी, तो हमको के की टर्म्स में ये बतलाना है। अब यहां पर क्योंकि वेव्स की इंटेंसिटीज हमें बताई नहीं है, तो हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि दोनों वेव्स सेम इंटेंसिटी वाली है, एक तो ये बात इसमें ध्यान रखने की है। दूसरा हमको मालूम है कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये है आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन आई टू इंटू कॉस फाई। तो पहले हम इसमें ये कंडीशन वन इनकॉर्पोरेट करेंगे, ये वाली कंडीशन, प्रीवियसली जब पाथ डिफरेंस था लैम्बडा तब इंटेंसिटी थी के यूनिट्स, ये हम यहां पर लगाएंगे और इंटेंसिटी को के बराबर लिख लेंगे। पर समस्या यह है कि यहाँ हमको फेज डिफरेंस नहीं मालूम, क्योंकि यहाँ फाई जो है वो फेज डिफरेंस है, फाई फेज डिफरेंस की जगह हमें पाथ डिफरेंस गिवन है, तो कोई बात नहीं, हमको क्या मालूम है, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू टू पाई बाय लैम्बडा इंटू पाथ डिफरेंस, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। इस फॉर्मूले में ये कंडीशन वन में मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ पर डाल देंगे पाथ डिफरेंस लैम्बडा के बराबर, तो हमको फेज डिफरेंस मिल जाएगा टू पाई, यानी ये यहाँ टू पाई पुट करना है और आई वन आई टू दोनों को हमें आई सपोज करके काम करना है, तो यहाँ डाला मैंने आई, ये आई और ये टू रूट आई 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 स्क्वेयर, कॉस पाई में डालेंगे टू पाई यानी कॉस जीरो यानी वन, छोड़ दिया उसे, और ये के बराबर है। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, रूट आई स्क्वेयर इज आई, ये टू आई 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 यानी फोर आई इज इक्वल टू के, दिस गिव्स के इक्वल टू फोर आई, ये पहली बात हो गई। अब हमको जहां पाथ डिफरेंस लैम्बडा बाई थ्री है वहां की इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो केस टू, तो पहले हम काम ये करें कि हम फेज डिफरेंस निकाल लें कि वहां फेज डिफरेंस कितना है, तो फाई डैश इज इक्वल टू टू पाई बाय लैम्बडा, ये तो फॉर्मूला है, इनटू पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस इज लैम्बडा बाई
थ्री, ये लैम्डा लैम्डा कटकर ये आया 2π/3, 2π/3 मतलब 120 डिग्री, क्योंकि पाए होता है 180, 16 × 120। अब यहाँ कॉस 120 की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, जो हमको याद होती है माइनस हाफ, उसकी जरूरत पड़ेगी। तो अब हम फिर से ये फॉर्मूला लगाएंगे, अब हमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी चाहिए आई डैश, ये पहली टर्म I1, फिर I, फिर I, फिर ये 2√I² और cos phi की जगह 120 डालेंगे, जो माइनस हाफ होगा, हम पुट कर दिया, 2 से 2 कैंसिल आउट होता है, ये है 2I और ये होगा I² का √I, ये माइनस साइन माइनस I, दैट इज I। और इस I को हमें इक्वेशन 1 से कितना मिला था, I K/4, तो आंसर विल बी K/4 इन टर्म्स ऑफ K/4 यूनिट्स, दिस शुड बी द आंसर। मतलब जहां ये दोनों वेव्स λ/3 के पाथ डिफरेंस से रीच करेंगी, उस पॉइंट पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी K/4 यूनिट्स होगी। दिस इज द आंसर।